भारतीय स्टेट बैंक के वरिष्ठ सहायक अरुण कुमार श्रीवास्तव की पहल से दुर्घटना में मृत सीआईएसएफ के जवान के परिजनों को 50 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। मृत जवान के परिजन अनजान थे, जिन्हें अरुण कुमार श्रीवास्तव द्वारा बुलाकर योजना की जानकारी दी गई, जिसके फलस्वरूप मंगलवार को मृत जवान के माता पिता को 50 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। योजना की जानकारी अरुण कुमार श्रीवास्तव ने ग्रैंड एशियन न्यूज को दी है। भारतीय स्टेट बैंक अपने सभी ऐसे ग्राहकों को जिनकी सैलरी हमारे बचत खाता में आता है, उनके लिए एक स्पेशल बीमा कवर करती है। अगर हमारे खाता धारक जिनकी सैलरी हमारे यहाँ बैंक में आ रही है, उनकी दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है, तो उनके सैलरी के हिसाब से उनको बीमा का भुगतान किया जाता है। इसी क्रम में आर सिंह जी की कुछ समय पहले सिविक सेंटर में दुर्घटना से मृत्यु हुई थी, जिसका बीमा निपटान कर करके उनको 50 लाख की धनराशि उनके परिजनों को दी जा रही है। इसका लाभ किन हितग्राहियों को मिलता है? मैं सभी ऐसे खाता धारकों को जिनकी सैलरी हमारे यहाँ ब्रांच में आती है या किसी भी स्टेट बैंक की शाखा में आती है, अनुरोध करता हूँ कि अपने शाखा में जाएं और इन सब सुविधाओं का लाभ लें। ना सिर्फ इसमें मृत्यु के लिए बीमा होता है, बल्कि आपको अनेक सुविधाएं मिलती है, जैसे NEFT RTGS के चार्जेस आपके लिए निःशुल्क होते हैं, लॉकर रेंट में आपको सुविधा मिलती है, एजुकेशन लोन में आपको प्रायिकता दी जाती है, हाउसिंग लोन में प्रायिकता दी जाती है, एवं आपको 2 महीने की आपकी सैलरी 12 माह की किस्त पर तुरंत ही बिना किसी कागजात के दिए जाते हैं। इन सब सुविधाओं का आप लाभ उठाएं।